नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं BCEA एग्रीमेंट। ये समझौता काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके अलावा यह प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण बन सकता है, क्योंकि वर्तमान स्थिति को देखें तो भारत और उसके निकटतम पड़ोसी देशों के बीच में जो संबंधों में कटुता आई है चीन के दबाव में, तो ऐसी स्थिति में ये समझौता कहीं ना कहीं भारत को पुनः जो है मजबूत स्थिति में ला करके रख देगा, और चीन की जो वर्तमान नीति चल रही है उसमें भी रोक लगाने में यह समझौता काफ़ी सहायक होगा। तो मेरे हिसाब से ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, बन सकता है आगे, इसलिए से आप अच्छे से तैयार करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, अभी तक कुल 12 साथियों ने हेल्प करी है, उनका जो है शुक्रिया है, और जिन्होंने हेल्प नहीं करी है, यहाँ बात हेल्प की हो रही है, जिन्होंने नहीं करी है अगर वे चाहें तो ज़रूर करें, और ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है कि आप इतना ही करें, जो आपकी इच्छा है या अगर आपको ट्रस्ट होता है या आपको लगता है कि हाँ करनी चाहिए तो हेल्प करें। आपकी हेल्प से होगा क्या कि जो है जो अभी मुझे जो परेशानी हो रही है वो मुझे परेशानी नहीं होगी, और लेक्चर्स जो है लगातार तैयार मतलब आते रहेंगे, और काफ़ी जो इतने लेक्चर्स आ जाएंगे कि आपसे एक भी प्रश्न जो है बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए, अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। और कमेंट क्यों बंद कर दिया है आप लोगों ने? कई लोगों ने तो अब कमेंट करना ही छोड़ दिया है। किसी दबाव में ना रहे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, और ऐसे कुछ मैसेजेज आ रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि आप जो है वीडियो बनाइए गूगल ड्राइव में, क्या समझाया पता नहीं कि आप गूगल ड्राइव में सेव करके हमारे जीमेल पर भेजिए, उसे हम अपलोड करेंगे, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा। तो भैया, आप अनसब्सक्राइब मार दीजिए एक बार, अच्छा लगेगा, परेशान ना करें आप लोग, जो होगा देखा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि भारत अमेरिका के बीच संबंधों में दिन प्रतिदिन जो है घनिष्ठता बढ़ रही है। इसी का परिणाम है कि कोविड महामारी के दौरान ही दोनों देशों के बीच 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग संपन्न हुआ। ऐसे समय में जो लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने में बच रहे हैं, और ऐसे समय में अगर ये डायलॉग संपन्न हुआ तो ये बताता है कि दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं कितने मजबूत हैं। कहता है कि 2+2 वार्ता के दौरान ही बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट BCEA समझौता हुआ। ये समझौता काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समझौते के बाद दोनों देश एक दूसरे को भू स्थानिक सूचना और खुफिया जानकारी साझा कर सकेंगे, ठीक है, साझा कर सकेंगे। कहता है कि इस समझौते के बाद भारत को चीन के विरुद्ध जो है बढ़त हासिल होगी। तो ये इम्पोर्टेंट समझौता का परिणाम है। बात करें भूस्थानिक सहयोग के लिए, अमेरिका एवं भारत के बीच BECA समझौता हुआ है, और इस समझौते के तहत दोनों देश एडवांस सैटेलाइट, स्थलाकृतिक डाटा, नक्शा, समुद्री चार्ट, रक्षा एवं रणनीतिक से जुड़े संवेदनशील डेटा को एक दूसरे देश से साझा कर सकेंगे। तो अब जो है कुछ ऐसे बात करें, कुछ ऐसी चीज़ थी जो हमारे पास उपलब्ध नहीं थी, या हमें किसी पर निर्भर रहना पड़ता था, और वो उस पर डिपेंड करता था कि वो उस समय जो हमारी हेल्प करे या ना करे, है ना। ऐसा इतिहास में कई दफ़ा हुआ है, अगर आप कारगिल वार भी ले लेंगे तो उस समय भी ऐसा देखने के लिए मिला था कि देशों के द्वारा मदद नहीं की गई थी, तो क्योंकि उस समय ऐसा कोई समझौता नहीं था। तो वर्तमान में अब हमें जो सेना को जो चीज़ ज़रूरत होगी वो मिल सकेगा। इसमें क्या क्या शामिल है? तो स्थलाकृतिक डाटा, नक्शा, समुद्री चार्ट, रक्षा एवं रणनीतिक से जुड़े संवेदनशील डाटा, ये सारे जो है अब साझा हो सकेंगे। कहता है कि समझौते के तहत जियो स्पेशल डाटा के जरिए
किसी निश्चित भूभाग में एक खास समय में आए बदलाव को पता कर सकते हैं। मान लेते हैं कि अपना जो LOC था वहाँ पर जो है कई सारे जो दुश्मन जमा हो गए, तो इधर हमें तो काफ़ी दिन तक पता ही नहीं चला, है ना। वो तो किसी एक व्यक्ति ने जानकारी दी, पेट्रोलियम जो टीम होती है वो वहाँ पहुँची, उनको वहाँ पर वे शहीद हुए, उसके बाद पता चला कि यहाँ पर हजारों सैनिक जमा है। तो इससे ये पता चल जाएगा किसी एक कोई एरिया है वहाँ पर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। सामरिक रूप से यह डाटा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस डाटा के विश्लेषण से किसी स्थान पर सैन्य जमावड़ा, हथियारों की तैनाती, भूभाग में परिवर्तन, इन सभी का पता लगा सकते हैं। अब देखिए, इन सभी का पता हमें लग जाएगा कि इसके पार जो है ये हथियार जमा किए गए हैं या इतने सैनिक हैं, तो उसका अंदाज़ा लगा करके हम उसी शक्ति से या उसको रिटेलिएट कर सकते हैं, उसको मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। कहता है कि इस समझौते से भारत की पहुंच अमेरिका के विशाल सैटेलाइट नेटवर्क तक हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अमेरिका का जो सैटेलाइट के एरिया में जो पकड़ है, कहीं ना कहीं भारत की भी अब वह पकड़ हो जाएगी। और इस पकड़ होने के बाद काफ़ी सटीकता के साथ दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण समझौता है। कहता यह समझौता काफ़ी अहम है, क्योंकि इस सूचना को, ये जो समझौता हुआ है या उनके द्वारा दी गई सूचना को, लद्दाख अरुणाचल प्रदेश के पार चीन की सीमा में तथा POK के संदर्भ में देखें तो इसकी रणनीतिक अहमियत के बारे में पता चलता है। कहता है कि भारत को सीमा पर चीन की सारी गतिविधियों की जानकारी मिलेगी। चीन जानते हैं कि घुसपैठ ही है या उसने जो है कब्जा कर लिया है कई सारे फिंगर्स को, तो ये सब अब अगर वह कोई भी गतिविधि करता है तो उसकी जानकारी हमें मिल सकेगी, और उसको मतलब घेरने से पहले ही, हड़पने से पहले ही उसको हटा दिया जाएगा। बात करें, कहता है कि डेटा के द्वारा भारत अपने आसपास दुश्मन के किसी भी सैन्य तैयारियों का पता लगा सकता है। अब जैसे चीन की जो मीडिया है वो बीच बीच में जो है अलग अलग जो है झूठ फूस का न्यूज़ फैलाता है कि फलना के पास जो है इतने लाख सैनिक, वो सैनिक, ये सैनिक, दबाव बनाने के लिए। तो एक्चुअल में अब हम लोग हर चीज़ पता लगा सकते हैं समझौते के बाद कि आज उनकी सैन्य तैयारियां वाकई में क्या है, और इसे पता लगाकर उनके हमले से पहले ही इसे नष्ट भी किया जा सकता है। कहता है कि समझौते के बाद युद्ध की स्थिति में हमले ज़्यादा सटीक और मारक साबित होंगे। बिल्कुल सही बात है, ऐसे आप अंदाज़ा लगा के मारिएगा तो अलग बात है, लेकिन जब आपको पता रहेगा कि इस जगह पर जो है ये हथियार है, उस जगह पर इतने सैनिक हैं, तो वहाँ पर अगर आप एक्यूरेट अगर मतलब हमला करें तो दुश्मन की हार निश्चित होगी। कहता है वर्तमान में भारत चीन के बीच तनाव जो है ये उच्चतम स्तर पर है। ऐसे में चीन डोकलाम या लद्दाख के पार अपनी सीमा में यदि कोई गतिविधि करता है तो भारत को इसकी जानकारी जो है मिल जाएगी, ठीक है। और जब हमें जानकारी मिल जाएगी तो उसी हिसाब से हम लोग भी अपने आप को तैयार करेंगे। कहता है कि इस समझौते के बाद कहा जा सकता है कि स्वचालित हार्डवेयर सिस्टम, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन आदि के क्षेत्रों में भारतीय सेना के सामर्थ्य में वृद्धि होगी। तो ध्यान रखना है इन सभी एरियाज में जो है अब हमारी पकड़ मजबूत हो जाएगी। बात करें, अभी भी कुछ ऐसी जो टेक्नोलॉजी है जिससे हमारी सेना वंचित है, तो उसकी खाना पूर्ति है, मतलब उसको पूरा करने के लिए ये समझौता काफ़ी अहम साबित होगा। कहता है भी इस ये समझौते से दोनों देशों को चीन के द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के अलावा समृद्ध भारत प्रशांत क्षेत्र के निर्माण में भी काफ़ी सहयोग मिलेगा।
क्योंकि बात करें अगर सागरों में, तो चीन ने धीरे धीरे सागर में भी अपनी पकड़ जो है मजबूत करनी शुरू कर दी है, और कहीं ना कहीं ये जो है भारत के लिए चिंता का विषय है। कहता है कि देखिए ये जो समझौता हुआ है, इससे पूर्व भारत और अमेरिका के बीच तीन महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं जो कि इस प्रकार हैं। बात करें पहले समझौते की, तो ये है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, GSOMIA। यह समझौता 2002 में हुआ था और इसके तहत दोनों देशों के बीच सैन्य सूचना के आदान प्रदान को लेकर के समझौता हुआ था। ठीक है, तो सैनिक का जो कुछ इन्फॉर्मेशन होगा उसके लिए ये समझौता किया गया था। अगला जो समझौता हुआ था, लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, लेमुआ, LEMAO। यह समझौता 2016 में हुआ। इसके तहत क्या है, तो सैन्य संसाधनों का उपयोग करने पर समझौता हुआ, अर्थात भारत यदि चाहे तो अमेरिका के सैन्य जो संसाधन हैं उनके सामानों का प्रयोग कर सकता है, या अमेरिका चाहे तो भारतीय सामानों का प्रयोग कर सकता है। अगला है कम्युनिकेशन कंपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, कॉम खासा। यह काफ़ी महत्वपूर्ण समझौता है क्योंकि इस समझौते के तहत अमेरिका भारत को गोपनीय संदेश वाले उपकरण को मुहैया कराएगा, और ये 2018 में हुआ था। तो जैसे कोई भी कन्वर्सेशन है, वो अगर हमें बात करनी है या कोई सिग्नल देना है, तो ये डिकोड नहीं हो सकता, दुश्मन को पता नहीं चलेगा। तो इस प्रकार के जो हैं कुछ हमें इक्विपमेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे जिससे कि हमारी सेना की पकड़ मजबूत होगी। देखिए ये चार समझौते तो हो चुके, अब इन समझौतों से क्या हो रहा है कि दोनों देशों के बीच विश्वास में मजबूती आएगी, साथ ही संवेदनशील मुद्दों पर दोनों देशों का जो है एक दूसरे देश पर सहयोग बढ़ेगा। समझौते में ही देशों जो देश हैं इस बात, लेकिन ये जो समझौता है इसमें इस बात के लिए बाध्य नहीं होंगे कि वे कोई खास ज़रूरतों को पूरा करें। ये ध्यान रखने वाली बात है, इस समझौते का मतलब ये नहीं है कि वो आपकी किसी खास ज़रूरतों को पूरा किया जाए, मतलब ये बात नहीं है, क्योंकि भारत जो है क्वाड के अन्य देश, बात करें ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ भी कई अन्य समझौतों को कर सकता है। अमेरिका भारत का प्रमुख रक्षा भागीदार देश है। वर्तमान में भारत चीन के संबंधों को देखते हुए भारत यूएसए के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके अलावा बात करें जो क्वाड देश हैं उनसे भी संबंधों को और मजबूत घनिष्ठ बनाने की आवश्यकता है। इसके विपरीत, इसके अलावा देखिए भारत को इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की बढ़ती चुनौतियों के खिलाफ समान विचारधारा वाले देशों को साथ लाने की भी आवश्यकता है, मतलब चीन की नीतियों से जो देश परेशान हैं उनको अपने साथ ला कर के जो है चीन के खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। क्वाड जैसे मंचों के जरिए नौसैनिक शक्ति में सहयोग तथा इंडो पैसिफिक रीजन में बहुपक्षीय गतिविधियों को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अलावा देखिए जो पुराने संबंध रहे हैं रूस से या और किसी भी देश से, तो उनमें भी जो है सुधार करने की ज़रूरत है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर करें, जितना आपकी इच्छा हो वो ज़रूर करें। उसकी जानकारी आप कमेंट करके ले सकते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।